पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक हरफन मौला कलाकार की, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ अभिनय के दम पर ही अपना सिक्का नहीं जमाया बल्कि गायकी और मॉडलिंग की दुनिया में भी ये अव्वल रहीं। नाम है इनका कल्पना अय्यर। जन्म हुआ 17 अप्रैल सन 1955 में। आमतौर पर इन्हें बतौर वैम्प देखा गया हिंदी फिल्मों में, लेकिन यह बात कम लोगों को मालूम है कि ये सन 1978 की मिस इंडिया रनर अप रहीं। जी हाँ, मिस वर्ल्ड 1978 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 15 सेमीफाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई। जैसा कि हर मॉडल के साथ होता है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। हालांकि इन्हें बनना तो हीरोइन चाहिए था, लेकिन ये भारतीय सिनेमा में बतौर वैम्प नजर आने लगी। इनसे पहले बिंदु, हेलेन और अरुणा ईरानी का नाम बड़ा मशहूर था, लेकिन वैम्प के रोल्स इन्होंने जरूर स्वीकारे। उसके पीछे की एक बहुत गहरी वजह भी रही। इनकी माँ अपने सख्त रवैये के लिए बड़ी मशहूर थीं, लेकिन चूंकि इनके परिवार को पैसे की आवश्यकता थी और इनकी बहन एक सिंगल पेरेंट बन गई थी और इन पर निर्भर थी, लिहाजा कल्पना अय्यर को फिल्मों में काम करना ही पड़ा। अस्सी के दशक में इन पे फिल्माए गाने भी बड़े हिट हुए, चाहे वो प्यारा दुश्मन से हरी ओम हरी रहा या फिर अरमान से रंबा हो। फिल्म सत्ते पे सत्ता में ये अमजद खान की बड़ी करीबी नजर आई थी। फिर तो डिस्को डांसर, अंजाम, राजा हिंदुस्तानी, हम साथ साथ हैं, तमाम फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। इस बात पर भी गौर करना होगा कि कल्पना अय्यर बतौर पॉप सिंगर भी कई शोज कर चुकी थीं। इन्होंने मशहूर मारो संगीतकार पप्पी लहरी के साथ वैनकूवर कनाडा में एक बड़ा जबरदस्त शो किया था। यह तकरीबन 100 फिल्मों में नजर आईं, लेकिन फिर यह सवाल सबके मन में आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल्पना अय्यर फिल्मी दुनिया से एकदम गायब हो गईं। हालांकि इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखे, पर उसके बावजूद भी ये धीरे धीरे भारतीय सिनेमा और टेलीविजन से दूर हो गईं। कल्पना अय्यर एक बड़े ही साधारण दक्षिण भारतीय परिवार से आती हैं और इनके परिवार में कुछ ऐसी बातें रहीं जिसकी वजह से इन्होंने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इनके निजी जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये बुरी तरह से टूट गईं और इनके परिवार को भी काफ़ी धक्का लगा। और तब इनके एक दोस्त ने इन्हें दुबई जाने का मौका दिया, जहाँ पर यह होटल इंडस्ट्री में काम करने लगीं। पर एक बात की कमी इनके जीवन में रही, इनका कभी विवाह ना हुआ। बहुत बरसों के बाद यह खबर मिली कि ये दुबई में हैं, जिससे इनके चाहने वाले जरा मुतमईन हुए, पर सदा सदा के लिए यह जबरदस्त अभिनेत्री सुनहरे पर्दे से गायब हो गई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी कुछ बड़ी दमदार अभिनेत्रियों का जिक्र होगा तो उस फहरिस्त में कल्पना अय्यर जी का नाम जरूर शामिल होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।